आप सभी को राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य के सातवें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सातवां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के आमिष मांस, शहद राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। प्रायः अन्न परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ दे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो वर्ती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग दे। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दे। जीवदारी का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर, बासी अन्न ना खाए। बकरी, भैंस, गो के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ दें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है तथा कार्तिक प्रति ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगाएं। इस विधि तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल ना लगाए। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, केंथ, ये सब छोड़ दें। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण ना करें तथा उपरोक्त मनुष्यों और कौमों के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को ना खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य पर चंद्रायनी व्रतों को करें। कर्म से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इसके शाक को प्रतिपदाती तिथियों में त्याग दें। रविवार के दिन आंवले का सेवन ना करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग ना करें, उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह के डर से हाथी विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है, वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। यथारीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, दाने को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है। राधे राधे।